फिक्स फिंगरप्रिंट नोट शोइंग इन सेटिंग, फिंगरप्रिंट ऑप्शन मिसिंग है। रियलमी रेडमी इन्फिनिक्स टेक्नो वीवो कोई भी स्मार्टफोन है उसमें आपका फिंगरप्रिंट है वो मिसिंग है, सेटिंग के अंदर शो नहीं हो रहा है। तो आपको उसे कैसे लेके आना है, कैसे आपको देखना है कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर नहीं शो हो रहा है तो आपको उसे कैसे शो कराना है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है फिंगरप्रिंट वाला, उसे आपको कैसे लेके आना है आज मैं आपको यही बताऊँगा, बिल्कुल आसान तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। मेरे पास है रियलमी का फ़ोन, आपके पास कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो जिसमें फिंगरप्रिंट नहीं है सेटिंग के अंदर, तो आपको कैसे लेके आना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। देखो सबसे पहले आपके किसी भी स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है, या फिर यहाँ पर भी फिंगरप्रिंट नहीं है, ठीक है यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या करना है। देखो फ़ोन में सबसे पहले नहीं है फिंगरप्रिंट तो आपको क्या करना है, और है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो दोनों बताऊंगा दोनों तरीके, ठीक है। अगर है फिंगरप्रिंट तो उसे आपको कैसे एनेबल करना है, अगर नहीं है तो उसे आपको कैसे एनेबल करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग के अंदर आ जाएंगे यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो चलिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेट ऑन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो नहीं कनेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट है कि नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट है तो अच्छी बात, नहीं है तो अपडेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे सेटिंग के आइकन पे क्लिक करके यहाँ ट्रायल वर्जन पे क्लिक कर लेंगे, आपको वो अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने यहाँ पे सर्च करेंगे सेटिंग के सर्च बार में फिंगरप्रिंट, ये देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर ऐड फिंगरप्रिंट है, ठीक है, जो पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक में शो होता है। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ चलूँगा, ये देख सकते हैं पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ऐड फिंगरप्रिंट, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से मेरे में फेस लॉक भी है। तो आपको इस तरीके से चेक करना, नहीं मिला है तो आप उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, ठीक है। और आपके फ़ोन में यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी फिंगरप्रिंट नहीं है तो उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, ऐसे काम नहीं करता है ये, ठीक है। तो अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने जो भी आपके पास रेडमी का फ़ोन है, जैसे कि मेरे पास ये देखो रेडमी का फ़ोन है, ये देख पा रहे हैं, तो आपको उसमें क्या करना है, एक थीम्स ऐप करके होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा थीम, ये देख सकते हैं थीम है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर थीम के सर्च में आपको डालना है, जैसे मैं यहाँ पर नेट कनेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ फिंगरप्रिंट इस तरीके से, और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का जो थीम है वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसे इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद उसे सेटअप कर लीजिए और आपका यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा, ठीक है। और कोई अगर आपके फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक है ही नहीं तो वो कैसे लग सकता है, आप खुद दिमाग लगा लीजिए, ठीक है।